Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from H.C. Verma. And let's see. A particle is found to be at rest when seen from a frame S1 and moving with a constant velocity when seen from another frame S2. Mark out the possible options. Okay, fine. Kuch options de rakhe. So we have to see ki kaun si possibilities ho sakti hai. So pehle hum, you know, general way mein ise देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मान लो ये फ्रेम S1 है और ये फ्रेम S2 है, दो अलग अलग फ्रेम है, और S1 है वो मूव कर रहा है विथ V1 एंड उसका एक्सेलरेशन है A1, और जो S2 है, सॉरी दिस इज S2, सो वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी V2 और उसका एक्सेलरेशन A2 है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ S1। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है या तो फ्रेम वन के अंदर ही है या फिर किसी ऐसे फ्रेम में है जो सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट इज ऑफ S1। जो भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी S1 का है, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है, देन ओनली द पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द S1, जो फ्रेम वन है। सो लेट्स से हम कोई भी केस कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल इज इनसाइड द S1। ओके, सो अभी जो सेकंड कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है वो ये है कि जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, है ना। फ्रेम 2 से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो पहले देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी और व्हाट इज द velocity of the particle with respect to the frame S2. So velocity of particle with respect to frame 2, that will be equal to V1 minus V2, right? And what is the acceleration of particle 2, particle with respect to frame 2? That is AP2, that is A1 minus A2, right? So these are the things we can write. Agar hum kahe ki what is the velocity of the particle with reference to frame 1, that will be 0, and acceleration of particle 1 with reference to frame 1 will be 0, right? क्योंकि वो तो rest में, that is fine. अब आप जो second frame है उसे ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको जो condition दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो particle है वो एक constant velocity से move कर रहा है frame 2 के respect में। इसका मतलब उसका जो acceleration है, है ना, acceleration of the particle with respect to frame 2 should be 0. वेलोसिटी तो कुछ भी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्रेम इज V1 माइनस V2, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हो तो कुछ भी हो सकता है, राइट। V1 माइनस V2 कैन बी एनीथिंग, बट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फ्रेम, राइट, दैट शुड बी जीरो। इट मीन्स AP2 शुड बी जीरो। व्हाट डज दैट मीन? A1 माइनस A2 शुड बी जीरो, और यू कैन से A1 शुड बी इक्वल टू A2। सिर्फ यही कंडीशन दे रखी है, और जो भी ऑप्शंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज A1 इज इक्वल टू A2, वो ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। सो लेट्स चेक, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। दोनों फ्रेम इनर्शियल होने का मतलब है कि A1 इज शुड बी जीरो और A2 इज इक्वल टू जीरो। जस्ट चेक द कंडीशन वेदर A1 इज इक्वल टू A2 इज सेटिस्फाइंग और नॉट। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो A इज करेक्ट। बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, A2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट स्टिल A1 कैन बी इक्वल टू A2, राइट। हम ऐसी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं A1 और A2 की विच जो नॉन जीरो हो बट इक्वल हो, ऑफ कोर्स। सो बी इज आल्सो करेक्ट। S1 इज इनर्शियल बट S2 इज नॉन इनर्शियल। S1 इनर्शियल का मतलब है A1 जीरो होगा और A2 नॉन जीरो होगा। अगर एक जीरो एक नॉन जीरो है तो A1 इज इक्वल टू A2 कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। S1 इज नॉन इनर्शियल और S2 इज इनर्शियल। सो अगेन इसमें कह रहा है A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो और A2 जीरो के बराबर है। अगर ये कंडीशन होती है देन A1 इज इक्वल टू A2 विल नेवर सेटिस्फाई, और अगेन ऑप्शन डी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फाइन। सो आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव फर्दर कंफ्यूजन और कुछ डिस्कस करना होगा देन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके ओके, देन कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक गाइस।